तो काफी आसान क्वेश्चन है आपके लिए, हो सकता है बिगनिंग लेवल पे हो आप, तो आपको थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लगे। चलिए हम लोग करते हैं इसे, डेल्टा सपोज हम लोग डेल्टा एज्यूम कर लेते हैं एलएचएस को, ठीक है, या एलएचएस लिख लेते हैं, डेल्टा लिखने का क्या मतलब है, एलएचएस लिख लेते हैं, ठीक। अब सोचिए स्टार्ट कैसे करें क्वेश्चन को, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लाना क्या है, वहीं से आपको क्लू होगा मिलेगा। तो यहाँ फोर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मतलब दो दो ठो ए बी सी लाने हैं ना, एक ए बी सी का सेट ये है और फिर ए बी सी हम लोग लिख लें, ए बी सी का सेट है और लाना है ना, तो दो दो ए बी सी लाने हैं। एक तो दिख रहा है कि हम यहाँ से कॉमन कर सकते हैं कि ऐसा आ सकता है, यहाँ से कॉमन कर सकते हैं बी आ सकता है, यहाँ से कॉमन कर सकते हैं सी आ सकता है, तो इसका जुगाड़ दिख रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन लिखिए, फिर कैसे लिखते हैं कॉमन के लिए, तो सी वन को ट्रांसफॉर्म करना है 1/a टाइम्स सी वन, सी टू को ट्रांसफॉर्म करना है 1/b टाइम्स सी टू, और सी थ्री को ट्रांसफॉर्म करना है 1/c टाइम्स सी थ्री। क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज हो चुकी होगी, है ना, शक्ल और वैल्यू दोनों चेंज हो जाएगी, लेकिन वैल्यू ना चेंज हो उसके लिए आप ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि यहाँ रिस्पेक्टिव कॉलम में डिवाइड किया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा -a b हो जाएगा और यहाँ c हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका b कॉमन किया है a -b और यहाँ पे आपका c हो जाएगा, यहाँ से c कॉमन किया है तो a हो जाएगा, b हो जाएगा और -c हो जाएगा, तो एक काम तो आपको बन गया। अब क्या सोचिए इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, हम चाहें किसी रो में मैक्सिमम जीरो बना लें, ठीक है, और एक्सपेंड कर दें, ये एक तरीका होता है। दूसरा देखिए, अगर ये कॉलम ला के हम यहाँ ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ की एंट्री जीरो हो जाएगी और यहाँ की एंट्री जीरो हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ से जो भी होगा 2c आ जाएगा, तो हम 2c कॉमन कर सकते हैं, ठीक है, एक 2 भी मिल जाएगा और c भी मिल जाएगा, तो मुझे इतना स्ट्राइक तो करता ही है, लेकिन क्या हम इसे ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ a प्लस ए 2a हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, दैट इज यहाँ जीरो हो जाएगा और यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से भी कॉमन हो रहा है, तो क्यों ना दोनों ही काम एक ही साथ कर दिया जाए। क्या क्या, हम सी वन को भी ट्रांसफॉर्म कर दें, सी वन प्लस सी टू लिख दें, और साथ में सी टू को भी ट्रांसफॉर्म कर दें, सी टू प्लस सी थ्री लिख दें। क्या आएगा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद दिखेगा इट बिकम दैट इज इक्वल्स टू, अच्छा ये बाहर तो आपके पास क्या था, एक ए बी सी था ही, और आपने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो यहाँ पे आ गया जीरो जीरो और टू सी, यहाँ पे क्या हो गया आपका दैट इज टू ए, और यहाँ पे हो गया आपका जीरो और ये हो गया जीरो, और ये ट्रांसफॉर्म तो हुआ नहीं है, तो इसे एज इट इज हमें कॉपी करना है। अब क्या करें, इस वाले कॉलम से आपका क्या कॉमन दिख रहा है, टू सी कॉमन दिख रहा है, और इस वाले कॉलम से क्या दिख रहा है आपका, टू ए कॉमन दिख रहा है, तो ले लेते हैं, लेकिन उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन क्या लिखते हैं, सी वन 1/2c टाइम्स सी वन, और साथ में जो सी टू है 1/2a टाइम्स सी टू, है ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा लिखा करिए, क्योंकि इस पे आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में मार्क्स होते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन लिखने के, और नहीं लिखते हो आप तो आपको मार्क्स वो पार्ट मार्क्स वो मार्क्स का पार्ट नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। क्या हो जाएगा ये, चूंकि a पहले से था और टू टू ए कॉमन हुआ है, तो मिला जुला कितना हो जाएगा, टू टू जा फोर, ए और सी एक्स्ट्रा आया और पहले से ए सी था, तो क्या हो गया आपका फोर ए स्क्वायर बी और सी स्क्वायर, बाकी बचा क्या, जीरो जीरो वन, फिर क्या हुआ आपका वन जीरो जीरो, फिर क्या हुआ यहाँ पे ए बी और माइनस सी। अब क्या किया जाए, अब कुछ नहीं करते हैं, सीधे एक्सपेंड कर देते हैं ना, जिसमें मैक्सिमम नंबर आप जीरोज हो, तो या तो आप C1 के अबाउट एक्सपेंड कर दीजिए या फिर C2 के अबाउट एक्सपेंड कर दीजिए, दोनों ही कॉलम में दो एंट्री जीरो है, ठीक है, तो चलिए तो क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिंग एलोंग से C2 हम कर दे रहे हैं, ठीक है, C2 आपका क्या है ये हो जाएगा आपका दैट इज इक्वल्स टू फोर ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर, और सी टू के अक्रॉस है तो यहाँ आप जानते होंगे प्लस माइनस प्लस लिखते हैं, है ना, ये आता कहाँ से है, -1 की पावर i प्लस जे, मतलब
रो नंबर और कॉलम नंबर। तो इसका क्या है आपका, रो नंबर वन है और कॉलम नंबर टू है, तो वन प्लस टू माइनस वन की पावर थ्री आएगा, मतलब ऑड वो माइनस वन हो जाएगा। माइनस वन टाइम्स माइनर, माइनर कैसे लिखते हैं उस एलिमेंट का, वो कॉलम एलिमिनेट हो जाती है और रो एलिमिनेट हो जाता है जिसकी हम माइनर लिख रहे हैं। तो एंट्री क्या आ जाएगी आपकी, जीरो वन और बी और माइनस सी। यहाँ से आप ओपन कर लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, फोर ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर एंड दैट बिकम माइनस सी, जीरो एंड माइनस बी, ये आ जाएगा माइनस बी। ठीक, तो पूरा क्या आ जाएगा आपका, फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर विच इज योर आर एच एस, हेंस प्रूव्ड।